The question is what? Process costing का. So process costing सब में आ जाओ. Question देखो. A product passes through three process से pass हो रहा है. The following cost data have been extracted from the books of a manufacturing company. Okay. चलो material debit पता है process account में debit हो जाएगा. Three process है. Process 1, 2 and 3. Material debit, direct wages debit, production overhead debit. ठीक है. Production overhead का खाली total amount दिया है और इधर कितना आएगा वो नहीं दिया है. So for that we will see the question. Data दिया होगा अपने को. देख लेंगे. कोई टेंशन नहीं. 10,000 units at the rate of ₹6 each were introduced into process 1. तो ये हो गया आपका input का काम. सबसे पहले process में आपका input आ गया. Input that is what 10,000. Right beta 10,000. There was no stock of material or work in progress at the beginning or the end. कोई टेंशन नहीं. The output of each process passes directly to the next process. अब जो आउटपुट है बेटा ईच प्रोसेस का पासेस डायरेक्टली टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू द फिनिश स्टॉक. ठीक है. मतलब प्रोसेस 1 का प्रोसेस 2 में जाएगा, प्रोसेस 2 का प्रोसेस 3 में जाएगा और प्रोसेस 3 का प्रोसेस 4 में तो जाएगा नहीं क्योंकि तीन ही प्रोसेस है अपने पास. 3 प्रोसेस आर देयर. तो डायरेक्टली प्रोसेस 3 का किधर जाएगा? फिनिश स्टॉक में. ओके. प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. दिया ना. अब ये देखो ये प्रोडक्शन ओवरहेड था आपका. अब इसको कितना रिकवर्ड होगा? ये 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो जितना डायरेक्ट वेजेस है उसका 100%. मतलब इसका अमाउंट कितना हो गया? सेम 100%. मतलब 40,000 का 100%, 40,000, 60,000 का 100%, 60,000, 80,000 का 80,000. दैट्स इट. सेम आ गया. ठीक है. चलो फिर आपको प्रोसेस 1, 2, 3 आउटपुट यूनिट. मतलब ये कौन सा आउटपुट है? एक्चुअल आउटपुट. आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा बिकॉज एक्चुअल आउटपुट इज गिवन. क्वांटिटी रिकंसिलेशन का वर्किंग नोट यू हैव टू मेक इट. ओके. परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस टू इनपुट. नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया है. वैल्यू ऑफ स्क्रैप 1, 2, 3 प्रोसेस 1, 2, 3 का दिया है. प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड नॉर्मल लॉस अकाउंट. ठीक है. तो ये आपका क्वेश्चन है. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन टू सॉल्व दिस सम. तो पहले फॉर्मेट बना लो सब लोग. सो पूरा फॉर्मेट रेडी कर देना. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, देन नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन अपने को बनाना है बेटा. राइट. वर्किंग नोट क्वांटिटी रिकंसिलेशन का एंड देन सीपीयू का. ठीक है. तो चलो प्रोसेस 1. प्रोसेस 1 पहले एंट्री करते हैं. सबसे पहले प्रोसेस 1 में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा? आपका इनपुट. प्रोसेस 1 में सबसे फर्स्ट क्या आएगा बेटा? आपका इनपुट. राइट है. स्टार्टिंग इनपुट से होगा. चलो कितना दिया था क्वेश्चन में इनपुट? यू कैन सी हियर, एवरीवन कैन सी हियर इनपुट कितना दिया है क्वेश्चन में. ये देखो 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 ईच वेर इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1. तो आ जाओ. सो यूनिट्स 10,000 एट द रेट ऑफ 6, दैट इज 60,000. बराबर है. ये आपका इनपुट है. चलो आओ और क्या क्या अपने एक्सपेंडिचर है. क्या दिया क्वेश्चन में? आ जाओ डेबिट में. देखो डेबिट, इन डेबिट साइड मटेरियल्स का एक्सपेंडिचर दिया है आपको. डायरेक्ट वेजेस है और प्रोडक्शन ओवरहेड है. तो चलो स्टेप बाय स्टेप. सो टू मटेरियल्स हाउ मच अमाउंट इज व्हाट? 52. Then what beta? Two direct wages. Wages how much? 40,000. And then two production overheads. चलो production overhead कितना बेटा अपना? वो भी same है. 40,000. You can see here. ठीक है. 52 राइट है. ये 40 और प्रोडक्शन ओवरहेड भी 100% बोला मतलब 40 रहेगा ना बेटा, है कि नहीं? मटेरियल 52, ये डायरेक्ट वेजेस 40 और प्रोडक्शन ओवरहेड में बोला रहे. प्रोडक्शन ओवरहेड इज रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. तो
डायरेक्ट वेजेस 40 है तो ये भी तो 40 रहेगा ना बेटा, 100% 40,000 का 100% 40,000, ठीक है? नहीं समझता तो देख लो, 40,000 है, एलसी करोगे ना 100%, 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 या इंटू 100% का बटन दबा दो, सेम ही आएगा ना 40,000, सिंपल, ठीक है? चलो ये भी हो गया। अब बेटा आपको नॉर्मल लॉस है, क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी दिया है, तो आ जाओ बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस अकाउंट कितना परसेंट है नॉर्मल लॉस, 5%, ओके 5% ऑफ व्हाट, कितना है इनपुट 10,000, तो चलो 5% ऑफ 10,000 कितना हो गया 500, स्क्रैप रेट भी दिया आपको 4, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2,000, ओके गॉट इट। नाउ ये हो गया, चलो अभी आ जाते हैं वर्किंग नोट पे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में जो क्वांटिटी रिकंसिलेशन का अपना वर्किंग नोट है, प्रोसेस वन में आ जाओ। कितना इनपुट है 10,000, नॉर्मल लॉस परसेंटेज है 5%, तो 10,000 का 5% हो गया 500, माइनस किया तो नॉर्मल आउटपुट आ गया 9500, है ना 9500 नॉर्मल आउटपुट। अब एक्चुअल आउटपुट कितना है, एक्चुअल एक्चुअल आप देख सकते हो क्वेश्चन में, इधर देखो एक्चुअल आउटपुट कितना दिया आपको, प्रोसेस वन का एक्चुअल आउटपुट सी हियर 9500 है कि नहीं, कितना है 9500, तो एक्चुअल आउटपुट है 9500। ओहो सो क्या हो गया बोलो, नो लॉस नो गेन, मतलब कोई भी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ, खत्म, नथिंग इज देयर, हो गया। तो चलो अब उसके बाद सीपीयू निकाल लो, सीपीयू, सीपीयू के लिए डेबिट का टोटल मार लो पूरा, डेबिट का टोटल कितना है बताओ, डेबिट साइड का टोटल पूरा बताओ मेरे को कितना आ रहा है, 1,92,000 पक्का, ये पूरा टोटल मार रहा है डेबिट साइड का, 60 + 52 + 40 + 40, ठीक है 192, उसमें से नॉर्मल लॉस वैल्यू कितना है 2000, माइनस किया तो कितना आ गया 190, और आपका नॉर्मल आउटपुट है 9500, नॉर्मल आउटपुट कितना है, नॉर्मल आउटपुट 9500, डिवाइड कर लो कितना आ रहा है रेट बोलो 20, ओके चलो फिर तो आ जाओ। अब क्या होगा, कुछ भी नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, तो डायरेक्टली क्या होगा, आउटपुट ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में, बाय व्हाट आउटपुट ट्रांसफर टू, आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस व्हाट, प्रोसेस यस प्रोसेस टू अकाउंट। चलो कितना ट्रांसफर हो रहा है 9500, और आपका सीपीयू का रेट कितना था बेटा 20, कितना आ जाएगा 1,90,000, यस और नो, बराबर है करेक्ट। चलो टैली करो अभी, आ जाओ टैली करोगे, ये 10,000 हो गया, ये भी 10,000, और इधर तो टैली हो जाएगा 192, ये हो गया अपना प्रोसेस वन डन। अब इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ओके, तो इतना करके रखो, बाकी एंट्री चाहिए तो पोस्ट करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री, आगे का नेक्स्ट लेक्चर, ओके।